घर में सुख शांति लाना है तो क्या करना चाहिए पता है? नहीं, पैसे की तंगी रहती है, कर्जा रहता है। तो कर्जा हटाना है, पैसा घर में रखना है, ज्यादा लाना है पैसा, तो क्या करना? बस 5 आहुति डालना, घर में बरकत शांति, घर वाले आएंगे जाएंगे तंदुरुस्ती होती, नेगेटिव एनर्जी चली जाती है, नकारात्मक विचार चले जाते हैं, स्वास्थ्य के वाइब्रेशन होते हैं। बाप रे, आंखों की रोशनी बढ़ती है, खून बढ़ता है, ब्रह्मचर्य में मदद होता है, इतने 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 फायदे होते हैं। घर में सुख शांति लाना है तो क्या करना चाहिए पता है? अभी दिवाली के दिन आते हैं, घर जो मेन गेट है उधर ओम लिखना, हल्दी से, हल्दी चावल का आटा, उसे ओम बनाना, स्वस्तिक बनाना, उसका घर वाले दर्शन करेंगे, आनंद रहेगा। स्वस्तिक समझते? गणेश जी का चार क्रॉस करके, चौकड़ी करके, इधर इधर उधर, स्वस्तिक। स्वस्तिक दर्शन ऊर्जा बढ़ाता है, ओमकार दर्शन ऊर्जा बढ़ाता है। नमक आता है 2 रुपये किलो साबित नमक, उसको पानी में खारा पानी बना के उसका घर में पोछा करने से नेगेटिव एनर्जी चली जाती है, नकारात्मक विचार चले जाते हैं, स्वास्थ्य के वाइब्रेशन होते हैं। आशोपाल समझते? अशोका, आशोपाल के पत्ते समझते क्या? नीम के पत्ते, अशोका के पत्ते, उसका हार बना के घर के ऊपर रखना, घर वाले आएंगे जाएंगे तंदुरुस्ती होती है। हल्दी के साथ, साबित हल्दी के साथ टुकड़े, उसमें 7 टुकड़े नहीं, हल्दी के 7 गांठे आती ना, हल्दी हल्दी 7, और थोड़ा साबित नमक कटोरी में, घर में कहीं भी कोने में रखो, सुख शांति होता है। और जिसके घर में लक्ष्मी, आजकल तो बाप रे महंगाई इतनी है कि कितना भी कमाए फिर भी बरकत नहीं, पैसे की तंगी रहती है, कर्जा रहता है। तो कर्जा हटाना है, पैसा घर में रखना है, ज़्यादा लाना है पैसा, तो क्या करना? कि आंवला मिलता है, अभी शरद पूनम के बाद आंवला 8-10 रुपये किलो मिलता है, आंवला सुखा के उसको मिक्सी में पीसो, पाउडर हो जाएगा। अथवा तो आंवला को काट के मिक्सी में डालो तो उसका रस बन जाएगा। तो आंवले का रस सिर में लगाना तो बाल झड़ेगा नहीं, और आंवले का रस शरीर को मल के ओम लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण जप करें और फिर स्नान करें तो घर में लक्ष्मी आता। वो लक्ष्मी ऐसा नहीं अभिमान और दारू पीने वाला, वो लक्ष्मी सुख देने वाला, नारायण की कृपा वाला होता है। लक्ष्मी नारायण के नाम का जप, वो घर में बरकत देता है। और अमावस्या के दिन घी तिल जौ गुड़ चंदन उसका मिश्रण करके रखो, और अमावस्या के दिन ओम लक्ष्मी नारायण आय स्वाहा अथवा ओम परमात्मने नमः ऐसा 5 आहुति डालो। अमावस्या तो महीने में एक बार आता है ना, बस 5 आहुति डालना, घर में बरकत शांति। और ये आंवले का जो है ना, आंवला शरीर को लगा के स्नान करना, वो रविवार को नहीं करना, शुक्रवार को नहीं करना, अमावस्या को नहीं, होली दिवाली को नहीं, बाकी के दिन करना, सब दिन नहीं करना, रविवार नहीं, शुक्रवार नहीं, तो फिर घर में लक्ष्मी रहता है। आंवले मल के शरीर को स्नान करना तो गर्मी दूर होता है, मासिक धर्म का तकलीफ दूर होता है, अधिक मासिक का तकलीफ दूर होता है। 1 किलो आंवला ले लिया, हिंदी समझते ना सब, धो के 1 चम्मच 5 ग्राम पानी डाल दिया कुकर में, और कुकर को धीमी आंच पे रखा, आधी सीटी बजेगा बस इतना,
उतार दिया, पूरा सिटी नहीं, उसमें एनर्जी बाहर जाता है, उतार के रखा, थोड़ी देर सीज गया, फिर आंवला में से उसका गुटली निकल जाएगा, आंवला आंवला का रहेगा, उसको बराबर कूट के पेस्ट हो जाएगा, मक्खन जैसा हो जाएगा। तो एक किलो आंवला है ना, तो एक किलो शक्कर उसका चाशनी बना दिया, एक तार दो तार की, आंवला का जो पेस्ट बना, मावा बना, वो शक्कर में मिला दिया, तो अब कितना हो गया, 2 किलो है ना, 2 किलो हो गया। तो उसमें से 1 किलो अलग रख दिया, बाकी 1 किलो में मिर्च मसाला हल्दी बघार जीरा राई जो भी डालना है छौंक वो रखा। रोज भोजन के पहले थोड़ा चटनी बना के, ओ बाप रे, आँखों की रोशनी बढ़ती है, खून बढ़ता है, ब्रह्मचर्य में मदद होता है, इतने 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 फायदे होते आंवला की चटनी में। और जो मीठा मीठा रख दिया ना, जिसमें मिर्च मसाला नहीं डाला, वो उसको एक चम्मच को 10-15-20 ग्राम कटोरी में ग्लास में डाल के पानी डाल के एक चुटकी हल्दी डाल दिया और घुमा घुमा के पिया। अगर शरबत पी रहा है तो ठंडा पानी, और चाय का मजा लेना है तो गर्म पानी। तबीयत अच्छा रहेगा, प्रदर रोग की बीमारी चली जाएगी, सपन दोष की बीमारी चली जाएगी, खून की कमी होगी तो खून बनेगा, आंतों की गड़बड़ ठीक हो जाएगी, पेट ठीक हो जाएगा। 1 किलो आंवला, 1 किलो शक्कर, 2 किलो बन गया, 1 किलो मीठा मीठा रखा, 1 किलो की चटनी बना दी। इधर किडनी कैंसर की तकलीफ बहुत ज़्यादा है, किडनी की कमजोरी ज़्यादा है, दमा की तकलीफ बहुत है, बदहजमा बहुत है, धातु का गड़बड़ बहुत है, दुर्बल लोग बहुत है, कब्जियात की तकलीफ बहुत है, और पेट की गड़बड़ बहुत है। इधर देखो, जिसको भी देखो पेट की गड़बड़ कब्जियात, तो दीक्षा देते समय हम कल दीक्षा देंगे ना जिसको, उसको सीधा सुला देंगे और श्वास बाहर रख दो और फिर पेट को योनि को सकोड़ो, सारी गड़बड़ 3 दिन में निकल जाएगा, 100 बीमारियां, कब्जियात की बीमारी, धातुशय की बीमारी, दुर्बलता की बीमारी और बहुत सारी बीमारी, 132 प्रकार का बीमारी। 3 मिनट रोज करो।